हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ आलू परवल की रेसिपी। बिल्कुल शादी और पार्टियों में जैसे बनाई जाती है, आज मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए पाव भर परवल ले लिया है, 4 मीडियम साइज़ के आलू, अदरक लहसुन, 1 प्याज, 2 टमाटर। इन सारी चीज़ों को हम पहले धुल लेंगे, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो चलिए परवल को पहले हम कट कर लेते हैं। परवल को कट करने के बाद इसके बीज को हम निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े से कड़े हैं, इसलिए इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि सब्जी में अगर पड़ जाएंगे तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप परवल काटिए तो उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बारीक से कीड़े होते हैं, इसलिए ज़रूर एक बार इसे चेक करिए। और इस तरह हम बीज को निकाल देंगे, जो कड़े बीज होंगे उन्हीं को हम निकालेंगे। इसके बीज कड़े नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। परवल सारे कट हो चुके हैं, अब आलू को भी कट कर लेंगे। आलू को भी इसी तरह बड़े बड़े साइज में हम कट कर लेंगे। आलू परवल दोनों को ही कट कर चुके हैं, अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और इसके लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब चलिए हम पेस्ट तैयार करते हैं। 2 टमाटर, मखाना, प्याज, लहसुन, अदरक, इन सारी चीज़ों का एक बढ़िया सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरह। अब चलिए इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। तो पेस्ट हमारा देखिए बनकर तैयार हो चुका है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे बनाने के लिए फ्राई पैन और गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। तेल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म हो जाने के बाद इसमें हम आलू और परवल को फ्राई करेंगे। तो तेल काफी अच्छे से देखिए गर्म हो चुका है। अब चलिए इसमें हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम इसी तरह हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आलू देखिए हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। आलू देखिए फ्राई हो चुकी है।
अब चलिए हम परवल को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। परवल भी देखिए फ्राई हो चुका है, चलिए अब इसे भी हम निकालते हैं। आलू और परवल दोनों को ही फ्राई कर चुके हैं, इसको हम एक साइड में रख देंगे। और सब्जी बनाने के लिए तेल बहुत ज़्यादा है तो इसको पहले हम कम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम सब्जी बनाएंगे। तो चलिए तेल को कम कर लें। तेल कम करने के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा और सरसों का तड़का। तड़का हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बनाए हुए पेस्ट को। अब इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ते का पाउडर। इन सारी चीजों को डालने के बाद अब इसे हम हाई फ्लेम पर कुछ देर तक इसी तरह चलाते रहेंगे बराबर। इसे चलाते हुए कुछ देर हो चुका है। अब इसके बाद इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, जैसे कि मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है इसको रखे हुए, मसाला काफी अच्छे से पक चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसे हम फिर से इस तरह चला लेंगे। अब इसके बाद हम डालें 2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में ही डालेंगे, पहले नहीं। और इसे भी हम भून लेंगे कुछ देर तक इसी तरह। इसको इस तरह भूनने के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ही डालिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्राई किया हुआ परवल और आलू। इसको डालने के बाद इसे इस तरह हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी लाल मिर्च और इसे भी अच्छे से इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह ढककर रख देंगे, जैसे कि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट इसे रखते हुए हो गया है और सब्जी देखिए हमारी बनकर तैयार है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में हम खाली कर लेंगे। चलिए इसे एक बाउल में हम खाली कर लेते हैं पहले।
बनकर तैयार है आलू परवल की बढ़िया सी सब्जी। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई आलू परवल की सब्जी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।